जहाँ पर दूरों दूर तक घर नहीं है वहाँ पर हमें कुछ किसान लोग यहाँ पर दिखाई दिया। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, प्रदेश के अंदर जहाँ भी बाढ़ आश्रय केंद्र बना वहाँ की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। किस प्रकार से पैसे की बंदरबांट की गई है, लूट खसोट किया गया है, आप इस दृश्य के माध्यम से आप देख ही सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मधेपुरा ज़िले में हैं हम, सिर्फ एक जगह पर आए हैं, आपको ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल्स मिलेंगे जहाँ पर ऐसी स्थिति बनी हुई दिखाई आपको देगी। हम सुपौल ज़िले जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ की क्या स्थिति है। तो पहले आप मधेपुरा ज़िले के अंदर देख लिए। हम माता जी हैं, इनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या कसाल बुन रही है, क्या क्या कर रही है माता जी आप? बिछौन बुन रहे। बिछौन बुनिएगा? अच्छा, कहाँ से काटी है? रोड के बगल से लाई। अपने खेत में? रोड के कटा कटा के। अच्छा, वो रोड खेत में? हाँ। सरकारी वाला में? हाँ, लोग में जब काटे मारते ना। अच्छा, सरकारी जमीन से लाए हैं? तो आप लोग यहीं पर आती हैं? नहीं, नहीं थे घर गुड़िया तरफ। यहाँ से दूर है घर आपका? ये बांस लग नहर की वही कता। एक चीज़ बताइए, जब यहाँ पर आप लोग यहाँ पर आती हैं तो आप लोग डरने लगता है क्या, एकदम सुनसान जगह? पटवा छे हमारा के खेत छे तो। अपने खेत में? हाँ, अथी बटिया करे छे ना, तो धान छे रोपल, पटवा छे बुनल, तो डर किया हेतु। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस तरह से इस बिल्डिंग की यहाँ पर निर्माण की गई है, बनाया गया इस बिल्डिंग को, तो उसके बाद से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ है? फायदा यह है, आवे छे इतना खेत छे तो बैठे छे, हवा में छे ना बैठल, हवा तो चल रही है, बढ़िया चल रही है हवा, है मजा आता है। अच्छा अच्छा, बाकी कोई काम का नहीं? तब और कौन काम करबे, इतना है कलो रखे छे कि कहाँ दल के केबारी तेबारी उखाड़ के लोग ले गए के कहाँ ने, ऐसा कौन काम यह एक रत्ती दिन आर का आवे तो बैठे छे और की करबे। यहाँ पर कुछ चोर बदमाश कोई नशेड़ी गजेड़ी भी आते हैं क्या? रात बिरात गजेरी तजेरी आवे छे तो ओकरा की करबे हमरा के? हां, क्या बोले चाचा? गजेरी एक दबासे है यहां, गजेरी का बास है। अच्छा, तब कौन चीज का बास है? इंसान का थोड़े बास है। अच्छा, वही सब का बास है यहां। वो कौन कौन चीज पीता है सलाई बार के आजकल? अच्छा, वही सब सलाई का काठी का ढेर लगा रहता है, हम लोग नहीं पीते हैं तो नहीं जानते। बढ़िया बिल्डिंग बनाया है सरकार ने, कम से कम पानी में फेंक दिया है सब पैसा गवर्नमेंट, काम का कोई चीज नहीं। अरे 1 करोड़ 2 करोड़ से कम का बिल्डिंग होगा ये? अगर पब्लिक का घर बनाता तो अभी आराम से अपना सुख करता, सब पानी में बहा दिया। 2008 का बाढ़ जो आया वही सभी बहा दिया पानी में, तो पानी में है तो ये क्या है? पब्लिक को कौन सुख है मकान से, वही हम पूछते हैं। कम से कम एक तो फायदा हुआ आपको कि कम आप आते हैं, आप लोग यहाँ पर तो बैठते हैं, आवाज लग रही है यहाँ पर, वृक्ष था ना यहाँ, इससे अच्छा था। अभी तो यहाँ है सर्फ का बादशाह है। अच्छा, इतना इतना मोट सर्फ रहता है वो सठो सुराख में, डर से कौन रहता है असगर? यहाँ 2 आदमी 4 आदमी रहते हैं, आते हैं तो यहाँ तब बैठते हैं, लेडीज यहाँ कोई नहीं रहता है डर से। चलिए, कम से कम किसी को तो फायदा हुआ। अरे कम से कम नशेड़ी गजेरी को तो फायदा हुआ, सरकार ने इतने पैसे खर्च कर दिए। हाँ, सरकार ने इतने सारे पैसे खर्च कर दिए बिल्डिंग को बनाने के लिए, कम से कम नशेड़ी गजेड़ियों को तो फायदा हुआ है ना, शरीफ आदमी को फायदा, उससे क्या फर्क पड़ता है? किसी को मिलना चाहिए, चाहे इसके अंदर जानवर ही हो, लेकिन फायदा तो होना चाहिए कम से कम, बढ़िया है। लेकिन दुख की बात है कि अगर ऐसे नशेड़ी गजेड़ियों को फायदा दिलाने के लिए सरकार लाखों रुपये खर्च कर दे, पानी में बहा दे, तो सरकार से को जो सलाह देते हैं उससे ज़्यादा होशियार तो कोई है ही नहीं। और उनके जो नुमाइंदे हैं जिस प्रकार से पैसे को पानी की तरह बहा रहे हैं,
उसको लेकर तो जुबान तो है मुंह में, आवाज ही नहीं है, क्या बोले? आपको हम दूसरे जगह लेकर चलेंगे और वहाँ की स्थिति के बारे में भी रूबरू कराएंगे, लेकिन दुख की बात है कि सिर्फ एक जगह ऐसी बिल्डिंग नहीं बनी है, ऐसे आपको अनगिनतों मिलेंगे। अगर आपके भी क्षेत्र में इस तरह की बिल्डिंग बनी है कहीं पर भी, तो आप तस्वीर खींचकर आप हमें व्हाट्सएप कर दें। आप नीचे में पट्टी में चल रहे नंबर पर उस पर तस्वीर खींच के हमको भेजिए और बताइए कि आखिर ये तस्वीर कहाँ की है, उसे हम प्राथमिकता के साथ अपने चैनल पर चलाएंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।